अरविंद भक्ति वेदांत समिश्ल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरय नष्टप्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध 14वीं अध्याय और श्लोक 35 और 36 पर चर्चा करेंगे। मंगलाय च लोकानां मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदु कुलाम्भोदा आस्ते यदु कुलाम्भोदा आद्य अनंत सकह पुमान आद्योनंत सकह पुमान यद्बाहु दंड गुप्तायां यद्बाहु दंड गुप्तायां स्वपुर्यां यदवो अर्चिताः स्वपुर्यां यदवो अर्चिताः क्रीडन्ति परमानंदम् क्रीडन्ति परमानंदम् महापुरुष महापौरुषिकाः इव महापौरुषिका इव मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यद् कुलाम्भोदा आद्योनन्त शकप्पुमान् यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदुकुलाम्भोदा आद्योनन्त सकप्पुमा यद्बाहुदण्डगुप्तायां स्वपुर्यां यदवोर्चिताः क्रीडन्ति परमानन्दम् महापौरुषिका इव Thank you.
प्रतिपदार्थ मंगलाय कल्याण के लिए छ भी लोकानां समस्त लोकों के क्षेमाय सुरक्षा के लिए छ तथा भवाय उन्नति के लिए छ भी आस्ते है यदुकुलंभोद्यौ यदुवंश रूपी सागर में आद्यः आदि अनंतसुखः अनंत बलराम के साथ सॉरी अनंत सकः बलराम के साथ पुमान परम भोक्ता यत जिसको बाहुदंड गुप्तायाम उनके बाहुओं से सुरक्षित होकर स्वपुर्याम अपनी नगरी में यदवह यदवंश के सदस्य अर्चिताः योग्यता के अनुसार क्रीडन्ति आनंद ले रहे हैं परमानंदम दिव्यानंद महापौरुषिकाः वैकुंठ के वासी इव सदृश भावतो तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणारविंद भक्तिवेदन संशील प्रभुपाद के द्वारा परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। भावत मेरे साथ दोहराइए परम भोक्ता आदि भगवान तथा जो मूल भगवान अनंत है बलराम यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। तात्पर्य जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं भगवान विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में दो रूपों में निवास करते हैं गर्भोदक साई विष्णु रूप में तथा क्षीरोदक साई विष्णु रूप में है। क्षीरोदय साई विष्णु का अपना लोक है जो ब्रह्मांड के उत्तरी शीर्ष पर है और वहाँ क्षीर का एक विशाल समुद्र है जिसमें वे बलदेव के अवतार अनंत की शैया पर वास करते हैं। इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने यदुवंश की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है जहाँ भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं। उन्होंने द्वारका के निवासियों की तुलना वैकुंठ लोक के मुक्त निवासियों से की है। भौतिक आकाश के परे जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती है उससे भी आगे तथा ब्रह्मांड के सब आवरणों को के भी आगे कारणार्णव सागर है जिसमें सारे ब्रह्मांड गेंद की तरह तैर रहे हैं। इस कारण सागर के आगे वैकुंठ लोक का असीम पाठ है जिसे सामान्यतया ब्रह्म तेज कहते हैं। इस तेज में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और वे वैकुंठ लोकों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से प्रत्येक वैकुंठ ग्रह इस भौतिक जगत के सबसे बड़े ब्रह्मांड से भी बड़ा है और प्रत्येक में असंख्य निवासी रहते हैं जो बिल्कुल भगवान विष्णु जैसे दिखते हैं। ये निवासी महापौरुषिक कहलाते हैं अर्थात ऐसे पुरुष जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे उन ग्रहों में सुखी हैं और उन्हें कोई कष्ट नहीं सताता। वे सदैव तरुण बने रहते हैं
और पूर्ण आनंद तथा ज्ञान का जीवन बिताते हैं, जिसमें जन्म मृत्यु जरा या रोग का कोई भय नहीं रहता और उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज ईश्वर ने द्वारका वासियों की तुलना वैकुंठ लोक के महापौरुषिकों से की है, क्योंकि वे भगवान के साथ परम प्रसन्न हैं। भगवद गीता में वैकुंठ लोकों का कई बार संदर्भ आया है और वहाँ वे मद्धामा मेरे धाम के रूप में अर्थात भगवत धाम के रूप में वर्णित हुए हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। सब भागवतम के और एक महत्वपूर्ण श्लोक, और हर श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद इतने अच्छे चीज़ें हमें समझाते हैं, शायद ही हम कभी नहीं सुना भी सकते ऐसे चीज़ों को। सो हम इस श्लोक का संदर्भ हम समझने के लिए प्रयास करेंगे किस परिस्थितियों में इस श्लोक का वर्णन आया है। सो कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पूरा जो भारतवर्ष का चक्रवर्ती बनाते हैं। सो हस्तिनापुर के सिंहासन में युधिष्ठिर महाराज को अधिष्ठित होने के बाद फिर भगवान कृष्ण अपना द्वारका वापस चले जाते हैं, और युधिष्ठिर महाराज अपने चार भाइयों के साथ उनकी सहायता से इतना जो सुविशाल जो भारतवर्ष को बहुत अच्छे तरीके से जो राज्य का जो पालना भार संभालते हैं। वर्णन आता है कि जब तक युधिष्ठिर महाराज का जो पालन चल रहा था, जो राज्य में किसी भी प्रकार की जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होते थे। हर मौसम में गर्मी का मौसम में केवल गर्मी भी इतना होता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होता था, और ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होता था, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होता था, पर्याप्त मात्रा में सारे जो अलग अलग ऋतुओं में सब चीज़ मिलता पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। ऐसे राज करते करते हुए 36 साल बीत गया और वहाँ द्वारका से उनको कोई समाचार भी नहीं मिल रहा था। सो एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने सोचा है कि हम अर्जुन को द्वारका भेजते हैं, क्योंकि पांडव लोग भले ही वो राजा लोग हैं हस्तिनापुर के जो सिंहासन में हैं, फिर भी हर विषय पे भगवान का निर्णय पे निर्भर होते थे। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं मार्गदर्शन करते हैं, सो उनके मार्गदर्शन पे ही वो चलते थे, बचपन से उनको यही आदत है। सो अभी भी युधिष्ठिर महाराज पूरा चक्रवर्ती बनने के बावजूद भी जो कृष्ण का जो मार्गदर्शन पे ही राज करते थे। उनको लगा कि कई साल हो गए हैं, और इसी बीच में हम पिछले जो अध्याय में हम चर्चा किए थे किस प्रकार अचानक जो अपने जो राज्य में युधिष्ठिर महाराज कई प्रकार के जो अपशकुन देखते हैं, जो अशुभ होते हैं, और वो देख रहे हैं कि कई सारे वर्णन आता है लोगों में लोभ का प्रवृत्ति बढ़ रहे हैं, धोखा जो देने का प्रवृत्ति बढ़ रहे हैं, हर प्रकार से है ना जो ऋतुओं में थोड़ा बिल्कुल पूरी तरफ से बदल चुके हैं। हमको तो बहुत अच्छा अनुभव है, ठंड के मौसम में बारिश गिरता है और बारिश के मौसम बहुत धूप होते हैं। सो ऐसे जो कभी उन्होंने देखा नहीं उनके राज्य में, अचानक देख रहे हैं कि लोगों की जो विचारधारा में बदलाव आ गया है, प्रकृति में बदलाव आ गया है, उनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। और नारद मुनि जब बताते हैं, जब आते हैं उनको शिक्षा देने के लिए, तभी उनको परोक्ष रूप से उनको समाचार देते हैं कि भगवान कृष्ण अभी निकल चुके हैं, बट फिर भी उनको पूरी तरफ से कन्फर्मेशन नहीं होता है, इसलिए अर्जुन को भेजते हैं, तुम जाओ अर्जुन द्वारका जाओ, वहाँ पे सब हलचल पता के फिर मेरे पास आओ। फिर अर्जुन भी वहाँ से हस्तिनापुर से निकल पड़ता है द्वारका तरफ। वहाँ पे जैसे अर्जुन द्वारका पहुँचने के पहले से भगवान अपने सारे लीला समाप्त करके वापस जो गोलोक धाम भी चले गए हैं,
सी भगवान जब भी यहाँ प्रकट होते हैं कुछ समय के लिए कुछ लीला करने के लिए हेतु ही यहाँ आते हैं, यह हमेशा शाश्वत रूप से उस रूप में यहाँ रहने के लिए नहीं आते हैं। ये तात्कालिक जगत, ये भौतिक जगत है, यहाँ पे कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं होता। कुछ समय के लिए भगवान का जो दिव्य रूप दर्शन जो सबको मिल सकता, जो भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं, कई सारे लीला किए हैं, अभी लीला जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अवतार लिया है वो उद्देश्य पूरा समाप्त हो गया है, अभी भगवान जा चुके हैं। और भगवान के साथ साथ जब भगवान जाने के पहले ही सारे जो यदुवंशी लोगों को भी उन्होंने ऐसे ही कुछ लीला रचना करते हैं, सो सबका जो यदुवंश का भी नाश हो जाता है। इस भौतिक जगत में हर चीज़ जो भी भौतिक होता है सब नष्ट होना ही है। और जैसे फिर जब अर्जुन वहाँ द्वारका में पहुँचते हैं, वो वहाँ देख रहे हैं कि जिस प्रकार शोभायमान था जो द्वारका, अभी देख रहे हैं पूरी तरफ से अंधकार है, कोई शोभा नहीं है। और उनको तब वहाँ जब महल में जाता है तब उनको समझ पता चलता है कृष्णा ऑलरेडी निकल चुके हैं, से बहुत दुखी हो जाता है। फिर वहाँ पे सबको दहन संस्कार करवाता है जो यदुवंशी लोग जो बचे हैं, और फिर वापस हस्तिनापुर आते हैं क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने भेजा है, फिर यहाँ का समाचार उनको देना है, उसलिए वापस आते हैं। सी हमें जब भी हम इस प्रकार लीला सुनते हैं हमें ये नाम समझना चाहिए, भगवान भी ऐसे कैसे हो सकता, भगवान को भी सो कॉल्ड जो डेथ मृत्यु कैसे हो सकता है, और भगवान के जो पार्षद लोग वो कैसे अपने आप में मार के नष्ट हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो इसी को उत्तर में जो भगवान कृष्णा जो चौथी अध्याय में नौवीं श्लोक में बताते हैं, क्या बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। अर्जुन मेरे जो जन्म है, मेरे प्राकट्य हैं, मेरे अवतार हैं, और कर्म मेरे जो लीलाएं हैं सभी दिव्य होते हैं। जो दिव्य का अर्थ होता है वो उसमें कोई भौतिक कलमश नहीं होता है। हमारे जैसे हमारे कर्म के अनुसार से हमें बलपूर्वक से जन्म लेना ही पड़ता है, बलपूर्वक से हमें बीमारियां भी आते हैं और बुढ़ापन भी आते हैं, कोई नहीं चाहता बुढ़ापन आना है, बीमारी आना है, लेकिन हमें कोई विकल्प नहीं है। जब तक भौतिक शरीर है कहीं ना कहीं कुछ बीमारियां आ ही जाते हैं, भले ही आप कितना भी अच्छे से दवाएं आप ले लीजिए, कभी कभी ज़्यादा दवाई लेने के कारण से भी बीमारी आ जाता है। सो इसलिए जब कोई भी भौतिक चीज़ है वो छह प्रकार के परिवर्तन में जाना ही है, जन्म लेना है, बढ़ना है, कुछ समय तक रहना है और कुछ परिणाम को उत्पन्न करना है और क्षीण होना है, आखिर बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, वो हमारा भौतिक शरीर होता है। लेकिन कृष्णा कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, लेकिन अर्जुन मेरे जो प्राकट्य मेरे जो लीला है वो दिव्य होते हैं। जिस प्रकार भगवान जब यहाँ प्रकट होते हैं जो देवकी की अष्टम गर्भ में जो समता अष्टम संतान रूप में एक कारागार में प्रकट होते हैं, फिर वहाँ से फिर वृंदावन जाते हैं, फिर वृंदावन में कई सारे लीला करते हैं, कई सारे राक्षसों का वध करते हैं, ऐसे जो भगवान आते हैं एक प्रकार की जो लीला रचना होता है, जब भगवान भी इस जगत से वापस जाते हैं एक प्रकार का अनोखो लीला होता है। जिनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है उनको लगता है कि कृष्ण भी हम जैसे हैं, आए हैं जाए हैं, लेकिन कृष्णा अपने जीवन काल में ये भी दिखा है कि वो साधारण व्यक्ति नहीं, उनका शरीर भौतिक नहीं होता। सो जब भगवान जब यवन दशा तक उनका शरीर बढ़ रहा था, लेकिन उसके बाद उनका कभी कृष्णा का हम प्रभुपाद जी हमेशा कहते हैं कि हम जो कृष्णा किसी फोटो में हम जो सफ़ेद बाल और ना व्रिंकल जो स्किन हम नहीं दिखाई देते, क्यों, कृष्णा हमेशा नवयवन रूप में रहते हैं, उनका शरीर ये छह प्रकार के परिवर्तन से परे हैं। इसलिए भगवान की जो ये लीलाएं भी हैं वो दिव्य होता है। पर लेकिन भक्त क्या है जो भगवान के जो रूप से इतना जुड़े हैं, जब उनको जब अर्जुन को पता चलता है कि ऑलरेडी कृष्णा निकल चुके हैं, वो बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि भगवान से विरह के कारण से वो दुखी हो जाते हैं। ऑफकोर्स पहले ही कुरुक्षेत्र में कृष्णा ने अर्जुन को गीता उपदेश सुनाया है, आत्मा क्या होता है, शरीर का क्या होता है, जो शरीर के लिए दुखी होता है वो बुद्धिहीन व्यक्ति होता है। बट फिर भी जो यहाँ शुद्ध भक्त की जो है ना भगवान के प्रति जो
जो आसक्ति है, जो अटैचमेंट है, वो भौतिक नहीं है, इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से दुखी हो जाता, क्योंकि भगवान को हम इस रूप में देख नहीं पाते हैं, हमको छोड़ के चले गए। फिर वहाँ से फिर और भी बहुत सारे लीला होते हैं जो बीच में, फिर अर्जुन वापस अकेले ही हस्तिनापुर आते हैं। जैसे ही हस्तिनापुर आते हैं, जो अर्जुन को देख के युधिष्ठिर महाराज बहुत खुशी हो जाते, क्योंकि कई महीने से वो इंतज़ार कर रहा था। सो जब अर्जुन आते हैं, पहले उनके मुँह से ना बात भी नहीं निकलता, क्योंकि इतना दुखी हो जाते कि उनका बात भी नहीं कह पाते। फिर ऋषि महाराज ही उनसे पूछते हैं, जैसे हमको भी याद है ना, कभी हम बचपन में क्या होता था कि हम साल में एक बार या दो बार बहुत दूर से जो है ना, जो चाचा लोग हैं, ताऊ लोग भी आते हैं, वो जैसे ही उस समय तो जो बस की सुविधा बहुत कम होते थे, जैसे ही हमको लेटर में पता चलता है कि हम इस दिन आने वाला है, सो उस समय से एक्साइटमेंट शुरू हो जाते हैं, अच्छा फलाना उस दिन आने वाले हैं, हमको कुछ लेके आएंगे। और जैसे वो आते हैं, पता चला है जो वो लोग आए हैं, जैसे जो जब घर से बाहर आते हैं वेट करते रहे कब आएंगे, जैसे सड़क में दिख जाते हैं, हम दौड़ के जाते थे उनके पास, जाते हैं उनसे हाथ पकड़ते हैं, उनको ऊपर चढ़ जाते हैं और सबसे पूछते हैं अब सब लोग कैसे हैं, क्योंकि बच्चे लोग हैं, बच्चों लोग के बारे में पूछते हैं। और वैसे जब घर पहुँचते हैं, सब है ना, सब कुशल प्रश्न पूछते हैं, आपका मम्मी कैसे हैं, आपका जो बहन कैसे, सब जितना भी लोग वहाँ जानते हैं सबके बारे में पूछते हैं, ये स्वाभाविक है ना। वैसे ही जब युधिष्ठिर महाराज आए थे, क्योंकि कई सालों तक कृष्ण के बारे में कोई समाचार नहीं था, सो युधिष्ठिर महाराज ना कई सारे प्रश्न पूछते हैं अर्जुन से, वो लोग कैसे हैं, पहले कृष्ण और बलराम को छोड़ के बाकी सबके बारे में पूछते हैं, वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसे हैं, उद्धव कैसे हैं, और साथ कई सारे लोग नाम, हर नाम लेके युधिष्ठिर महाराज ने उनके कुशल के बारे में पूछते हैं। लेकिन अर्जुन तो कोई समाधान नहीं देता है, तो उसी जो श्लोक जो जब कई सारे प्रश्नों में ये श्लोक भी आते हैं, जहाँ पे पूछ रहे हैं कि वहाँ जो द्वारकावासी लोगों के बारे वर्णन करते हैं, क्योंकि द्वारकावासी हमेशा भगवान कृष्ण और बलराम की रक्षा पर निर्भर रहते हैं हर प्रकार से। तो इस संदर्भ में ये प्रश्न जो इनके बारे में पूछते हैं, सारे यदुवंशी भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर वैकुंठवासियों की भांति जीवन का आनंद उठा रहे हैं। यह तात्पर्य में प्रभुपाद कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हमें समाचार देते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले प्रभुपाद उल्लेख करते हैं कि ब्रह्मांडों के बारे में, भगवान विष्णु के दो अवतारों के बारे में। सो भागवत में वर्णन आता है किस प्रकार इस भौतिक जगत का सृष्टि होते हैं। यदि मान लीजिए हम पूरा जो भगवान सृष्टि का जो एक चौथाई भाग होता है भौतिक सृष्टि होता है, और एक चौथाई वाला जो भौतिक सृष्टि में भगवान जो कृष्णा क्या होते हैं, एक अलग अवतार धारण करते हैं, वो भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं, उनका नाम है कारणोदय के साई विष्णु, जो महाविष्णु होते हैं। सो भौतिक जगत से पूरा कारण जल होते हैं, उसमें शयन स्थान मतलब लेटे हुए भगवान जो कारणोदय के विष्णु से जब उन्होंने श्वास छोड़ते हैं, उनकी स्वेद रंध्रों से एक एक रंध्र में कई ब्रह्मांड निकलती है, हर रंध्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। ये जब ब्रह्मांड निकलती हैं, जैसे वो कालक्रम में और उसका जो परिणाम और वृद्धि होता है और बड़ा होता है, फिर हर ब्रह्मांड में जो महाविष्णु क्या करते हैं कि और एक रूप धारण करते हैं, गर्भोदक साई विष्णु, उस रूप धारण करके फिर हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बिना भगवान के प्रवेश के वहाँ कोई जीव रहने के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो सकता। सो महाविष्णु से गर्भोदक साई विष्णु आते हैं, फिर गर्भोदक साई विष्णु हर ब्रह्मांड में जाते हैं, वहाँ पर गर्भोदक साई विष्णु रूप में वहाँ पे उस ब्रह्मांड में अपना जो आधा ब्रह्मांड पूरा अपने स्वेद से भर जाते हैं, उसी स्वेद के जो समुद्र पे लेटते हैं, और उनकी नाभि जो गर्भोदक साई विष्णु नाभि से ही एक कमल का उत्पन्न होता है, आपने देखा होगा किसी का जो पिक्चर्स में, और उस कमल की जो आखिरी जो पुष्प में ब्रह्मा जी का सृष्टि होते हैं।
जो कमल पुष्प ब्रह्मा और भगवान के जो नाभि के जो बीच में जो स्टेम होता है उसी के बीच में 14 भुवन का सृष्टि होते हैं, जो निम्न लोक होते हैं, मध्यस्थ लोक होते हैं, ऊर्ध्व लोक होते हैं, सबसे जो ऊपर उच्च लोक होता है ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक के भी और ऊपर जैसे यहाँ वर्णन आता है कि उत्तरी शीर्ष पर, उत्तरी मतलब ऊपर, उत्तरी शीर्ष पर एक लोक होते हैं वो वैकुंठ लोक। और उस वैकुंठ लोक में यही जो गर्भोदक साई विष्णु और एक रूप धारण करते हैं क्षीरोदक साई विष्णु, उस वैकुंठ लोक में पूरा जो एक बहुत सबसे बहुत बड़ा जो क्षीर सागर होता है, जो दूध की सागर होते हैं, वहाँ पे जो भगवान जो क्षीरोदक साई विष्णु है जो अनंत शेष पे लेटे रहते हैं, जो अभी हम कई हम सीरियल्स में देख चुके हैं किस प्रकार उनके ना तो शेष शैया पे जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, वो इस ब्रह्मांड में एक वैकुंठ लोक होते हैं जो जिसको बौम वैकुंठ कहते हैं। उस वैकुंठ लोक में सो क्षीरोदक साई विष्णु रहते हैं और वही क्षीरोदक साई विष्णु परमात्मा रूप में परमात्मा बन के सारे जो जीवों की हृदय में निवास करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा समझने के लिए, क्योंकि जैसे मैं जो बता रहा हूँ आप वैसे समझने के लिए आपको कुछ समय लगता है। और यही क्षीरोदक साई विष्णु का रूप ही परमात्मा रूप से हर जीवों के हृदय में निवास करते हैं। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम, वो ब्रह्मांड में भी है, ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे अणु के अंदर भी है, क्योंकि भगवान वहाँ वास करते हैं, उसलिए जो सारे अणु भी काम करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। यदि जो साइंस बैकग्राउंड है ना वो उनको समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ऐसे भटकते जो घूमते रहते हैं, ये केवल इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि भगवान हर अणु में भी रहते हैं परमात्मा रूप से। इसलिए परमात्मा का जो हम समझना, तत्व को समझना बहुत कठिन होता है, उतना आसान नहीं है। सो इस प्रकार इस भौतिक सृष्टि भी एक क्रम पद्धति में चलता है, ऐसा नहीं कि ना एक भगवान एक मंत्र बोला सब ऐसे अचानक प्रकट हो गया, ऐसा नहीं, उसका एक पद्धति होता है, सृष्टि का विधान भी होता है। और ये सारे ब्रह्मांड सृष्टि होने के बाद, अलग अलग सृष्टि होने के बाद, फिर ब्रह्मा जी को वो उसका जिम्मेदारी जो सेकेंडरी क्रिएशन के लिए उनको सौंप दिया था, जो फर्दर क्रिएशन के लिए। सबसे पहले जो इस भौतिक जगत में अवतार होता है कृष्णा का, महाविष्णु, जो कारणोदक साई विष्णु भी कहलाता है। कारणोदक साई विष्णु से हर ब्रह्मा जो और उनके हर जो स्वेद रंध्रों से एक एक ब्रह्मांड निकलती है, उस ब्रह्मांड में और एक अवतार लेके प्रवेश करते हैं जिन्हें हम कहते हैं गर्भोदक साई विष्णु, गर्भ उदक साई विष्णु। और इन गर्भोदक साई विष्णु के नाभि से एक कमल निकलती है और उसी में ब्रह्मा जी के उत्पन्न होते हैं। और इसी जो कमल पुष्प और नाभि के जो बीच में है 14 भुवन का सृष्टि होता है। और उन 14 भुवनों के जो मध्यस्थ लोक है जहाँ हम रह रहे जो भूमंडल होता है, सो यहाँ पे जब क्योंकि यहाँ अनंत शेष की तुलना बलदेव से करते हैं और क्षीरोदक साई विष्णु की तुलना कृष्ण से कहते हैं, क्योंकि बलदेव हमेशा श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री निताय गौरंग श्रीपाल। सो जहाँ भी भगवान के अवतार होते हैं, जब भगवान के जो अनंत शेष है साथ ही साथ भगवान को सहायता करने के लिए वो भी अवतार लेते हैं। जो अनंत शेष का अवतार ही बलदेव है। और इस प्रकार महाराज युधिष्ठिर यदुवंशी की तुलना क्षीर सागर से की है और श्री बलराम की तुलना अनंत से की है और भगवान श्री कृष्ण की वास करते हैं। सो उन्होंने जो उस क्षीर सागर का जो तुलना है यदुवंशी लोगों के साथ की है। और ठीक जिस प्रकार जब क्षीर सागर में महाविष्णु भगवान विष्णु और अनंत शेष रहते हैं, वैसे ही जो द्वारका जो नगरी में और सारे द्वारका वासी कृष्ण और बलराम की सुरक्षा में रहते थे और हर प्रकार से भगवान स्वयं उनको रक्षा करते थे। और यहाँ इसके बाद उल्लेख आता है वैकुंठ लोकों के बारे में। सो हमको केवल
इस भौतिक जगत के बारे में पूरी तरह से हमारा जो जानकारी नहीं है, इसलिए जो साइंटिस्ट कई सारे जो चीज़ों के नया आविष्करण करते रहते हैं, जो हर चीज़ ना नया नया मिलते रहते हैं। और जो वैकुंठ जो लोग होते हैं वो बिल्कुल जो भौतिक जगत से अलग होता है। जैसे यहाँ पे एक लक्षण होता है भौतिक जगत का, यहाँ पूरा हमेशा अंधेरा रहता है। दिन में हमें सूर्य का जरूरत पड़ता है, रात में चंद्रमा का जरूरत पड़ता है, किसी रोशनी का आवश्यकता है। बिना रोशनी के हम चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि वैकुंठ लोग कैसे होते हैं, जो 15वें अध्याय में बताते हैं कि न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अर्जुन, मेरे जो लोक होता है वो लोक न वहाँ न सूर्य की जरूरत पड़ता है न चंद्रमा की जरूरत पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। और वहाँ ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ता है, कोई लाइट का जरूरत पड़ता है। वो सारे वैकुंठ लोक होते हैं अपने में स्वयं प्रकाशित होते हैं, सेल्फ एफल्जेंट होते हैं। इस ब्रह्मांड में एक ही ग्रह होता है जो सेल्फ एफल्जेंट, जो स्वयं प्रकाशित है, वो सूर्य ग्रह है। हम देखते हैं कि सूर्य ग्रह हमेशा प्रकाशवान होता है, उससे ही रोशनी निकलती है। चंद्रमा भी सूर्य का रोशनी को ही लेते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करके वो अलग रात में कांति हमें देता है। इस ब्रह्मांड का एक ही जो ग्रह जो रोशनी देता है वो सूर्य। और वैकुंठ लोकों में और कोई ना सूर्य का ना चंद्र का ना लाइट का किसी का जरूर आवश्यकता नहीं पड़ता है। और यहाँ भौतिक जगत में हर व्यक्ति हर जीव कई प्रकार की जो दुखों से गुजरना पड़ता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जो चार मुख्य रूप होते हैं, जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधियाँ। और वहाँ पे वैकुंठ लोक में ना जन्म का डर, ना मृत्यु का डर, ना व्याधि, ना बुढ़ापा आता। और प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि वहाँ हमें वो सदैव वहाँ तरुणावस्था में रहते हैं, क्योंकि तरुणावस्था कहा जाता है कि ये मतलब एक ऐसे अवस्था है, मतलब शरीर पूरी तरफ से वो विकसित हो जाता है, चाहे हम सोचने के तरीके से मैच्योर्ड हो जाता है। बुढ़ापा में क्या है, अनुभव तो आता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है, पूरा हर प्रकार से ना कई सारे जो पीड़ाएं होती हैं। और बचपन में क्या है, हम दुनिया के बारे में सही तरफ नहीं जान पाते। जो तरुणावस्था है हम एक विकसित जो अवस्था होता है। और यहाँ पे वैकुंठ लोक में हर व्यक्ति हमेशा सदैव तरुणावस्था में रहते हैं। वहाँ जब मृत्यु नहीं होता है जन्म भी नहीं हो सकता है, जहाँ मृत्यु होता है तब जन्म हो सकता है, इसलिए वहाँ कभी मृत्यु नहीं होता, इसलिए वहाँ जन्म भी नहीं होता। एक बार वहाँ प्रवेश करने से बस हो गया। सो आपको अलग अलग शरीर धारण करने का आवश्यकता नहीं पड़ता है। और ऐसे जो वैकुंठ जो वातावरण है, भगवान कृष्ण और बलराम की कृपा से द्वारका में भी हुआ करते थे, न केवल जो वैकुंठ। और यहाँ भी बताते हैं कि हर ब्रह्मांड सप्त आवरण से आवृत हुए हैं। हर ब्रह्मांड के सप्त आवरण होता है, जो सारे पंचभूत होते हैं। जैसे एक मान ली ब्रह्मांड एक ग्लोब है, इसके ऊपर एक और एक लेयर होता है, जैसे पंचभूतों का, जैसे धरती हो गया है, फिर जल हो गया है, फिर आग हो गया है, फिर वायु हो गया है, फिर आकाश हो गया है, उसके अलावा फिर मन है, उसके उस ऊपर और एक अहंकार है। इस सप्त आवरण कोई जो व्यक्ति पार कर पाता है तभी उनको वैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। इसको पार करना कठिन से कठिन चीज़ होता है, अपने बल से हम कभी नहीं कर पाएंगे। भले ही हम कितना भी रॉकेट उड़ाते हैं, जो सैटेलाइट भेजते हैं, वो यहीं घूमते रहते हैं इसी ब्रह्मांड का अंदर, इन आवरण को टच भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए भौतिक ब्रह्मांड को जो पार करना असंभव है, बहुत कठिन होता है। लेकिन भगवान इतना कृपालु है कि जब जब वो अवतार लेते हैं और अपने साथ में वो उस वैकुंठ का एक लोक को भी यहाँ लेके आते हैं। जैसे हम वृंदावन है, मथुरा है, द्वारका है, ये उस वैकुंठ से अभिन्न है। ये भौम वैकुंठ है, भौम वृंदावन है, भौम द्वारका है। मतलब इस ब्रह्मांड में जब भी भगवान यहाँ आते हैं वहीं अवतार लेते हैं। जैसे हर देश में हर एक एक देश का एक एम्बेसीज होता है,
जैसे अमेरिका है, अमेरिका एम्बेसी यहाँ पे होता है, और यहाँ अमेरिकन एम्बेसी में इंडियन जो लॉ है वो वहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है, वहाँ इंडिया का जो भारत का कानून वहाँ लागू नहीं हो सकता है। यदि किसी में आप एम्बेसी में अरेस्ट करना है और कोई गलत कर दिया है, आप अरेस्ट नहीं कर सकते उनको, आप यहाँ कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, वो केवल वो अमेरिका वाले अरेस्ट कर सकते हैं, उनको वहीं दंड दे सकता है, भले ही वो भारत में है, लेकिन अमेरिकन एम्बेसी पूरा हर सब प्रकार से वो अमेरिकाई कानून वहाँ लागू होता है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान आते हैं अपना स्वधाम भी साथ में लेके आते हैं, और ऐसे जो मथुरा द्वारका वृंदावन है वो वैसे वैकुंठ के तुल्य हैं, वहाँ कोई भी भौतिक कानून नहीं लागू होते हैं। जिस प्रकार वहाँ पे सारे और जन्म और मृत्यु और व्याधियों से जो मुक्त हैं, वैसे ही द्वारका वासी जब भी जब तक भगवान रहते थे वहाँ पे, उनकी किसी प्रकार के बाधाएं नहीं होते थे, ना कोई व्याधियाँ, ना इवन जब युधिष्ठिर महाराज जब राज करते थे, प्रजा इतना सुखी होते थे कि वो कोई अकाल मृत्यु नहीं होता था, पिताजी के सामने किसी जो शिशु का मृत्यु कभी नहीं होता था। सो ऐसे ऐसे जो भगवान भी जब ऐसे एक वैकुंठ वातावरण यहाँ पे भी उत्पन्न करवा सकते हैं, तो इसलिए जो हर जीव का जो लक्ष्य होना चाहिए, किसी न किसी प्रकार हम उस वैकुंठ तक पहुँचना है। आपने ध्रुव महाराज की कहानी सुने हैं, अजामिल की कहानी सुने हैं, वो कहानी के आखिर में जब वैकुंठ से विमान आता है, वैकुंठ से जो यम विष्णुदूत आते हैं उनको लेके जाते हैं आखिरी में, वो इस जो जहाँ क्षीरोदक साई विष्णु रहते हैं, जहाँ क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, वहीं से आते हैं। और ये जो भौम वैकुंठ है और आध्यात्मिक वैकुंठ से कोई अभेद है, दोनों एक ही है। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जो कुंठा होता है इस जगत, कुंठा मतलब हमेशा चिंताओं से भरित होता है, शारीरिक चिंता, मानसिक चिंता, पारिवारिक चिंता, सामाजिक चिंता, कई प्रकार की जो समस्या होती है, लेकिन वैकुंठ मतलब हर समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। जैसे वहाँ व्यक्ति जीव प्रवेश करते हैं, हर प्रकार की जो दुखों से मुक्त हो जाते हैं, वैसे वैकुंठ होता है। हमने इवन जब यहाँ तक अब स्वर्गीय, यदि आप महाभारत में स्वर्ग का उल्लेख आता है, स्वर्ग भी इतना सुविधाएं होते हैं आपको, वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से आप है ना, आप बुढ़ापा आप देख सक पाते हैं, आप कोई वहाँ किसी को कोई व्याधियाँ नहीं होता है, किसी प्रकार डर नहीं होता। डर मतलब है जैसे यहाँ पे क्या होगा क्या होगा, जो वो जो एंग्जाइटी होता है, वहाँ पे कोई स्मशान नहीं होता है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं होता है, कोई फिटनेस सेंटर्स नहीं होता है, क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। आप वहाँ पे एक आपको लगा कि यहाँ पे आप 4 रोटी 5 रोटी खाने से आपके पेट भर जाते हैं, लेकिन आप स्वर्ग में आप आपको इच्छा हुआ कि मैं इस आज मैं 100 रोटी खाऊंगा, आप 100 रोटी खा सकते हैं, लेकिन आपको बाथरूम जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप वहाँ प्यास भी नहीं लगता, आप पानी पी सकते हैं। सो ऐसे जो भौतिक जगत में ही स्वर्ग में भी हमें ऐसे जो जो इतना जो सुविधा हमें मिल रहे थे, भौतिक सुख मिल रहा है, अब वैकुंठ की क्या बात कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि वैकुंठ की वातावरण किस प्रकार हो सकता है। वहाँ आयु जो देवता स्वर्ग में, हमारा जो आयु 10,000 साल के होते हैं, यहाँ तो मुश्किल से 80 90, ज़्यादा समय जिए तो 100। सो वहाँ तो स्वर्ग में तो इतना 10,000 कई सारे गुने हैं जो बढ़ जाते हैं, और वैकुंठ में तो शाश्वत जीवन हमारे लिए प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति जब जीवित रहते हैं बचपन से अपने शरीर के प्रति बहुत व्यामोहित हो जाता है, भले ही वो सुंदर शरीर हो, विकलांग शरीर हो, विकार शरीर हो, फिर भी हर व्यक्ति को अपने शरीर के प्रति व्यामोह तो रहता है, आसक्ति रहता है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। जिनको कैंसर आ गया है वो मरने वाला है, फिर भी वो प्रयास करता है किसी न किसी प्रकार मेरा बचा हो जाए, हर प्रकार से कोशिश करता है कि नहीं, और मैं कुछ दिन बचता हूँ जीऊँगा, क्योंकि वास्तव में यहाँ भगवान हमें एक शाश्वत जीवन प्रदान करने के लिए तैयार है, पर लेकिन हम इस जो दुखी मतलब ए थर्ड क्लास भौतिक शरीर से हमें संतुष्ट हैं, संतुष्ट रहने के लिए प्रयास करते हैं। सो जो बुद्धिमान है हमेशा वो शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है।
इसलिए जो भागवतम के जो 18 अध्याय 700 श्लोकों में कई सारे श्लोक में भगवान उल्लेख करता है कि अर्जुन तुम ऐसे करो, ऐसे सोचो, मेरे पास आ जाओगे, मेरे धाम आ जाओगे, मेरे लिए अत्यंत प्रिय बन जाओगे। क्योंकि वैकुंठ में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे, उनके जो मुख्य जीवन का जो उद्देश्य होता है भगवान की सेवा। वो भगवान को जैसे हम आमने सामने देख पा रहे हैं, वैसे भगवान को हर दिन दर्शन कर पाते हैं। इसलिए तुलना किया गया है कि जो मथुरा में भगवान कृष्ण और बलराम स्वयं वहाँ वास करते हैं, और द्वारका वासी लोगों के लिए भगवान को हर दिन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे वो महल से बाहर आते हैं सब लोग दर्शन कर पाते हैं, जब महल के अंदर रहते हैं सब अंदर रहने वाले दर्शन कर पाते हैं। और वैकुंठ में वही वातावरण होता है, भगवान का जो सुंदर रूप जो दर्शन है हर व्यक्ति कर सकता है। और प्रभुपाद जी जो उसी परंपरा में जो आचार्य हैं जो, और हमें वो जो अनुभव, जो वैकुंठ का अनुभव भी हमें दिया है जो कृष्ण भक्ति के द्वारा, जिस प्रकार हम मंदिर और भगवान के सेवा केंद्र रख के जीवन को हम जी सकते हैं। उसलिए प्रभुपाद ने ऐसा जो संस्था को स्थापना की है ताकि लोगों को एक मौका मिल सकता है कि लोगों का कम से कम समझ में आ सकता है कि इस भौतिक जीवन से अलावा और एक शाश्वत जीवन हो सकता है। सो जब भी हम मंदिर आते हैं यहाँ पे हर जो कार्य है सुबह से लेकर रात तक केवल भगवान सेंटर्ड है। सबसे हम उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, किसके लिए, मंगलारती जाना है, अटेंड करना है, फिर यहाँ आते हैं, मंगलारती होता है, भगवान का आरती होता है, फिर जप करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, फिर आरती होता है, भगवान का श्रृंगार करके उनका आरती भजन कीर्तन करते हैं, फिर प्रवचन होता है, भगवान के बारे में प्रवचन होता है, फिर जप करते हैं, फिर प्रसाद होता है और भगवान का भोग चढ़ा वाला प्रसाद खाते हैं। और वैसे प्रभुपाद ने ऐसे बनाए व्यवस्था ने हर कार्य यहाँ पर जो भी मंदिर में होते हैं सब भगवान को केंद्र बना के होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है कि यहाँ पे भी मंदिरों में भी प्रभुपाद ने उस वैकुंठ वातावरण यहाँ पे सृष्टि किया है। और हमें ऐसे अच्छे अवसर प्राप्त जो दिया भगवान प्रभुपाद ने दिया है कि हम भी उस वैकुंठ लोक की जो अनुभूति यहाँ पे हम कर सकते हैं। हम कितना सौभाग्य है क्योंकि हम बैठे बैठे हमारे शहर में प्रभुपाद ने ऐसे संस्था की स्थापना की है कि हम उस वैकुंठ जो बहुत दुर्लभ होता है, जो स्वर्गवासी को भी वो प्राप्त नहीं हो सकता है, वहाँ में वो लोग कभी वैकुंठ नहीं जा सकते हैं, वैकुंठ के बारे में सोच भी नहीं सकते, वैसे हम यहाँ पे रह के वैकुंठ के बारे में सुनने के लिए हमको मिलता है, मौका मिला है, और उन भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने के लिए हमें अवसर मिला है। वैकुंठ जाने के बाद भी हमको यही करना है, जो भी एक्टिविटी करते हैं कृष्णा सेंटर्ड एक्टिविटी होना है। प्रभुपाद हमें यहीं से हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि धीरे धीरे हम वहाँ रहने के लिए हमें थोड़ा सा यहीं प्रैक्टिस हो जाता है। यदि मान लीजिए कोई स्पेस में जाना चाहते हैं, उनको कई महीने उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ कैसे वॉक करना है, एक आर्टिफिशियल एक स्पेस का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, स्पेस सूट दिया जाता है, वहाँ पे कैसे चलना है, और वैसे वो लोग है ना जैसे जो अंतरिक्ष में जो उड़ते हैं वैसे ही यहाँ पे एक कल्पित वातावरण दिया जाता है, और उनको खाना सब कुछ यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है कैसे वहाँ रहना है, ताकि वहाँ बहुत ही आसान से वो लोग रह पाते हैं स्पेस सेंटर में। ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद ने जो भी यहाँ भक्त लोग मंदिर में आते हैं, भक्तों की संगति में आते हैं, और वैकुंठ में किस तरह रहना है वहाँ प्रशिक्षण हमें यही मिल रहा है। सही में हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। सो ये मौका जो 700 करोड़ आबादी में कितना लोगों को मिल सकता है, गिन चुने लोगों को ही मिल सकता है, जिनको अच्छी सुकृति है, जिनको भक्तों की आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें इस अवसर को बहुत गंभीरता से लेना है, वी शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। सर जब भौतिक जीवन में हम जन्म लेते हैं, जो भी कहानी होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक मोर अर लेस सेम स्टोरी, अलग अलग कैरेक्टर में अलग अलग रोल में होती रहती है। जैसे अब हज़ारों मूवी आते जाते हैं, हर मूवी एक स्टोरी होता है, एक कैरेक्टर होता है, कभी हीरो विलन बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, ऐसे वैसे ही जीव क्या है जो भौतिक जीवन में अलग अलग शरीर धारण करते हैं, अलग अलग कहानियाँ होता रहता है, अलग अलग लोक में, अलग अलग परिस्थितियों में, और वही और शुरुआत जन्म होता है, आखिरी मृत्यु होता है, बस सिनेमा ख़त्म हो जाए, फिर नया मूवी चालू होते हैं।
पर लेकिन हमें जो जब कृष्ण भक्ति में आने के लिए जो मौका मिला है इस जन्म में, ये बहुत ही विशेष है। इसलिए हम जब भगवान का नाम भी जप करते हैं बहुत ही गंभीरता से, श्रद्धा से, भक्ति से जप करना चाहिए, ताकि हम जो हमें मौका मिला है हम और इसका जो अच्छे उपयोग कर सकते हैं। जितना से ज़्यादा हमें जो जो सुविधा हमें मंदिर से प्राप्त होते हैं उसे लाभ उठाना चाहिए। वैसे हम पूरा दिन और पूरा हफ्ता पूरा जीवन यहाँ नहीं रह सकते, कम से कम जब संडे आते हैं एक यहाँ जब तक यहाँ रहते हैं मंदिर के वातावरण में, केवल भगवान के बारे में संबंधित विचार ही करना है और उसके संबंधित बातें ही करना है। और यहाँ आके भी घर का कहानियाँ, पड़ोस का कहानियाँ, ठीक है दुनिया में क्या चल रहे हैं, वहाँ युद्ध चल रहे हैं और अमेरिका, वो चीज़ें यहाँ पे बहुत ही कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। घर पे भी वही हो रहा है और यहाँ भी वही हो रहा है, क्या फ़र्क है? युधिष्ठिर महाराज भी इन सब लोगों को नाम नाम से याद कर रहे हैं, क्यों? वो सब लोग भगवान से कनेक्टेड है, भगवान से संबंधित है, वो भगवान के साथ में रह रहे हैं और भगवान को हमेशा देखते हैं, वो बहुत ही पुण्यवान है, इसलिए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं वो लोग कैसे हैं। से जो भी चीज़, जो भी वस्तु जो भगवान से जो संबंधित हो जाता है वो भौतिक नहीं होता है। इसलिए हम या जब तक मंदिर के वातावरण में रहते हैं हम पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए हर बात हर विचार हमें भगवान संबंधित हो, उनकी सेवा संबंधित हो। जैसे ही आप बाहर जाएंगे फिर माया के क्षेत्र में आ जाएंगे, उनके अधीन में आ ही जाते हैं। सो प्रभुपाद सेज दीज आर स्पिरिचुअल एम्बेसीज, ये जो मंदिर हैं वैकुंठ की एम्बेसी हैं, वैकुंठ जहाँ वैकुंठ की वातावरण होता है। भले ही लोग तो हम ही लोग रहेंगे बट लेकिन जो वातावरण है वैकुंठ वातावरण, जहाँ पे हर चीज़ भगवान की सेवा केंद्र में होते हैं। सो हम इसे लाभ उठाना चाहिए, हमें जितना भी समय बचा हो हमें कोशिश करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें जो भक्ति के साथ भगवान के साथ बिताने के लिए। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? अच्छा, सबके लिए पर्याप्त मात्रा है, माला है क्या?